हेलो एवरीवन अ वेरी वॉन्ग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जीएस 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट नाइन है अभी तक आठ पार्ट देख चुके हैं ठीक है छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं हम फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स ठीक है और डिटेल में सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो ये आपके लेक्चर्स काम आएंगे किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दे लो यूपी का दे लो बिहार का दे लो हिमाचल का दे लो राजस्थान का दे लो हर स्टेट के अंदर एक क्वेश्चन काम आएंगे क्योंकि मोर और लेस स्टेट स्पेसिफिक जोग्रफी हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर से ही आते हैं आपके स्टेट सर्विसेज के अंदर ठीक है तो फटाफट से इसको डिस्कस uh, करते हैं आप एंड टेलीग्राम के ऊपर आपको इसका पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगा डो नॉट वरी अबाउट दैट सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस मैच है आपका लिस्ट वन आपको गिवन है लिस्ट टू आपको गिवन है आपको दो लिस्ट को मैच करना है लिस्ट वन में बेसिकली आपको माउंटेन रेंजेस के नाम गिवन है और लिस्ट टू में आपको जो हिल्स हैं हाई पीक्स हैं उनके नाम गिवन है आपको बताना है कि कौन सी पीक किस माउंटेन रेंज के अंदर है सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ओवर हेयर गेइस ओके तो आंसर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर इसका होगा ऑप्शन सी ठीक है तो नीलगिरी देखो सबसे पहले कहाँ पर आ गया नीलगिरी आ, आ गया आपका दोदा बेटा के अंदर ठीक है नीलगिरी रेंज में जो हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेटा और राइट right. अब किसी को अगर ये, ये मालूम था मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है कि अगर आपको एक भी मालूम है ना तो अल्टीमेटली आपके सारे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं ठीक है क्योंकि अगर आपको मालूम है कि यार नीलगिरी रेंजेज़ में हाइएस्ट पीक दो बेता है तो आप या दौदा बेता जो पीक है वो नीलगिरी के अंदर है तो अल्टीमेटली आप ए नहीं आपका आंसर हो सकता बी नहीं हो सकता डी नहीं हो सकता कन्फ्यूजन बचती ही नहीं है सिर्फ़ एक आता है तो काम ख़त्म हो गया अब जैसे सतपुरा है अब किसी को सतपुरा रेंजेस की हाईएस्ट का पता है सतपुरा रेंजेज़ में कौन सी है धूपगढ़ ठीक है तो अगर आपको सिर्फ़ सतपुरा के बारे में पता है तब भी आपके ए बी डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे अरावली अरावली का बड़ा आसान है माउंट आबू है ना तो अब अगर आपको अरावली का माउंट आबू पता है तो तो आपको अगर सिर्फ अरावली माउंट आबू पता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ए और बी तो आपका एलिमिनेट हो जाता सी और डी में आपको कन्फ्यूज़न होती सिमिलरली हिमालयास का सागर माथा और right, वो आपका वन हो गया तो अल्टीमेटली अगर आपको नीलगिरी या सतपुरा में से तो एक भी पता था तो तो इजीली आपका आंसर जो है वो हो गया था वैसे भी ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर कोई एक सीरियस कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहा है तो इतना उसको पता होगा ये एक्सपेक्टेड रहता है उससे ठीक है तो ये एक ईजी वेरी ईजी क्वेश्चन के अंदर मैं इसको रखूँगा ऑल राइट ये लिस्ट ऑफ कुछ माउंटेंस हैं इंडिया के अंदर जो आपको मालूम रहने चाहिए ईस्टर्न घाट्स में अगर हम पीक की बात करें अर्मा आंध्र प्रदेश के अंदर आती है ईस्टर्न हिमालयस के अंदर कांगटो अरुणाचल प्रदेश में वेस्टर्न चंपानर डिस्ट्रिक्ट में एक पीक है सोमेश्वर फोर्ट ये बिहार में है स्टेट का नाम भी याद होना चाहिए दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में बेलादिला रेंज वेस्टर्न घाट्स में गोवा में सोनसोगर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में गिरनार हरियाणा में मोरनी हिल्स ये तो याद रख ही लेना और इसमें जो पीक है मोरनी हिल्स के अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो है करोह पीक उसके बाद जी वेस्टर्न हिमालज हिमाचल प्रदेश में रियो पुरविल उसके बाद झारखंड में पर्सनाथ हिल्स जो बेसिकली पर्सनाथ पीक आ जाती है उसके अंदर स्टेट वाइज बेसिकली यहाँ पर आपको ये पीक्स गिवन है ठीक है कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स में मुलायनगिरी केरला में वेस्टर्न घाट्स में अनामुदी मध्य प्रदेश सतपुरा में धूपगढ़ जो सतपुरा धूपगढ़ आपको गिवन था महाराष्ट्र की जो हाइएस्ट पीक है वो है काल सूबाई वेस्टर्न घाट्स का जो पार्ट है मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पे सेनापति डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर माउंट ईसो हाइएस्ट पीक है मेघालय में खासी हिल्स के अंदर शिलोंग पीक जो है वो हाइएस्ट है मिजोराम में सहिया डिस्ट्रिक्ट में फाउन जो है वो हाइएस्ट है नागालैंड में नागा हिल्स के अंदर माउंट सरामती हाईएस्ट है ओडिशा में ईस्टर्न घाट्स में दियोमली जो है वो हाईएस्ट पीक है उसके बाद राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान में अरावली रेंजेज में गुरु शिखर जो है वो हाईएस्ट है सिक्किम में ईस्टर्न हिमालय के अंदर कंचनजंगा हाईएस्ट है तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में दोदा बेता हाइएस्ट है तेलंगाना छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के ऊपर डेक्कन प्लेट्यू में धौलीगुटा हाइएस्ट है त्रिपुरा में जम्पूई हिल्स में बैटल बेटलोंग चिप जो है वो हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश में शिवालिक हिल्स में एमसॉर्ट पीक हाईएस्ट है उत्तराखंड में गढ़वाल हिल्स में नंदा देवी हाईएस्ट है वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न हिमालय में संदकपू हाईएस्ट हाई है ये हर स्टेट की आपको हाईएस्ट पीक यहाँ पर दे दिया मैंने तो किसी भी स्टेट की अगर आपसे हाइएस्ट पीक पूछ ली तो फिर वो आपके लिए अब मक्खन जैसी जो है एक राइड हो चुकी है ठीक है लेकिन याद करना पड़ेगा अब याद करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा थोड़ा तो आपको पेशेंस उसके अंदर दिखाना पड़ेगा और ये जो चीज़ें हैं ना ये कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में याद हो जाएंगी कि आपने एक बार पढ़ा और आप एक्सपेक्ट करोगे आपको सारी स्टेट्स की पीक्स से याद होगी और आप फिर रिवाइज करो तो आपको सारी याद आ जाएँ और फिर नहीं याद आई तो फिर आप डिसटन होकर के बैठ जाओ कि यार ये क्या जिंदगी है ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा ऐसा नहीं होता है इसको टाइम लगता है ठीक है इन चीज़ों को टाइम लगता है और टाइम तो डेफ़िनेटली आपको देना ही पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीहरिकोटा जहाँ पर आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये कौन सी लेक के ऊपर सिचुएटेड है ऑप्शन है चिलिका बी वैंबनाथ सी पुलिकट डी कोलार इजी क्वेश्चन है ठीक है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन की डेफिनेशन में मैं इसको रखूँगा अगेन ठीक है सीरियस कैंडिडेट जो है उसके लिए ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी पुलिकट लेक ठीक है पुलिकट लेक पे आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो लोकेटेड है पुलिकट लेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया का चिलिका लेक के बाद जो उड़ीसा में है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है मेजर जो पोर्शन है लेक का वो आंध्र प्रदेश में और छोटा मोटा पोर्शन जो है वो तमिलनाडु के अंदर आता है काफ़ी बर्ड वेराइटीज़ जैसे कि ग्रे पेलिकन पेंटेड स्टॉक्स जो हैं वो एनुअली माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं ये ये एनुअली पुलिकट लेक में पाए जाते हैं ठीक है ग्रेन पेलि, ग्रे पेलीकन और पेंटेड स्टॉक ये दोनों नियर थ्रेटेंड स्पीशीज हैं आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन विष्णु नारायण भतखंडे वाज अ रिनोन फिगर इन विच आर्ट फॉर्म ठीक है विष्णु नारायण भतखंडे कौन सी आर्ट फॉर्म से बिलोंग करते हैं ए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बी मराठी थिएटर सी अर्ली इंडियन सिनेमा डी कर्नाटिक कई बार क्या होता है ना इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाते हैं और ये सबको नहीं आते होते ठीक है मैं बताऊं आपको सौ में से सिर्फ दस बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका जवाब आता होगा दस से पंद्रह बच्चे उससे ज़्यादा बच्चे इस जवाब को आंसर नहीं देते तो घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो कई बार ना बच्चे कहते हैं यार मैंने इतना कल्चर पढ़ा इतना हिस्ट्री पढ़ा लेकिन मेरे को ये आंसर नहीं आ रहा धत क्या फ़ायदा ठीक है ऐसा नहीं होता कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको नहीं आते होते तो उसमें दिल लगाने की जरूरत नहीं है तुक्केबाजी लगाने की ज़रूरत नहीं है उसको स्किप करो और आगे बढ़ो फ़िलहाल इसका आंसर जो है विष्णु नारायण भत्खंडे ये किस चीज़ से रिलेटेड थे ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को बेसिकली बिलोंग करते थे ठीक है जी सो फोक ट्रेडिशन के अलावा मध्य प्रदेश के अंदर आप देखते हो कि क्लासिकल म्यूज़िक का भी काफ़ी रिच ट्रेडिशन है और मध्य प्रदेश इज़ वन ऑफ द स्टेट्स जिसने काफ़ी बड़े बड़े लेजेंडरी जो मेडिवल सिंगर्स हैं उन एसोसिएटेड हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के स्टेट के साथ जैसे कि तानसेन एंड ऑल्सो पंडित विष्णु नारायण भत्खंडे ठीक है ये एन के अंदर एक छोटी सी लाइन गिवन थी वहीं से उसने क्वेश्चन बनाया ये कहीं आपको लगे कि कहीं बहुत ज्यादा रिसर्च करके उसने क्वेश्चन बनाया कुछ नहीं एक एनसीआरटी आती है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया करके उसमें से ये एक स्टेटमेंट उठा करके उसने क्वेश्चन डाल दिया मध्य प्रदेश के और जो नोटेबल म्यूजिशियंस हैं जैसे कि बारंगचारी नाना साहेब पानसे कुमार गंधवरा उस्ताद आमिर खान उस्ताद अलाउद्दीन खान दगर ब्रदर्स ये भी नोन म्यूजिशियंस हैं एंड मध्य प्रदेश इज आल्सो नोन फॉर नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ ध्रुपद ठीक है ध्रुपद का बर्थ प्लेस इसको कंसीडर किया जाता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में पूछ सकता है वो कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द बर्थ प्लेस ऑफ ध्रुपद ऑल तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्टली मैच बताना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे को नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन है अब देखो मेरा तो सबसे पहले अगर मैं ये पेपर दे रहा हूँ ना मेरे से पूछा है कि सबसे पहले तो बताओ कि करेक्टली मैच कौन सा है ठीक है तो इनकरेक्ट वालों को मेरे को बाहर निकालना है तो मेरा सबसे पहले ध्यान ना बाकी सारे ऑप्शनों को छोड़ करके मेरा सबसे पहले ध्यान जाता है सेबी पे ठीक है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसके आगे लिख रखा है इंश्योरेंस तो मेरे को पता है इतना अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ ठीक है अगर मैंने आठ महीने भी ढंग से तैयारी करी है न्यूज़पेपर पढ़ा है तो मेरे को मालूम है कि सेबी का काम है सिक्योरिटी मार्केट को देखना ठीक है इंश्योरेंस को आई आई देखता है तो सेबी तो हो ही नहीं सकता तो सेबी नहीं हो सकता सेबी इनकरेक्ट मैच है बाकियों को छोड़ो अभी तो अगर सेबी नहीं हो सकता तो बी गया बी तो एलिमिनेट हो गया डी बी एलिमिनेट हो गया ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गए ठीक है इनका तो कोई ये तो हो ही नहीं सकते ठीक बचे मेरे पास ए और सी अब ए और सी के अंदर करेक्टली मैच मेरे को बताना है तो फाइव जो है वो दोनों में है तो ठीक है फाइव तो ठीक होगा ही होगा क्योंकि दोनों में है मूडीज जो है वो क्रेडिट रेटिंग देता है बिल्कुल सही है फोर भी बिल्कुल सही होगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का पार्ट होते हैं एस जिनको हम बोलते हैं दोनों ऑप्शन में है तो वो भी होगा अब मेरे को ये देखना है टू और वन में से कौन सा ठीक है देखो बिटकॉइन से रिलेटेड अभी तक इंडिया के अंदर कोई कानून बना नहीं है इंडिया के अंदर जब ये 2021 में पेपर आया था तब तक कोई कानून नहीं था कि रेगुलेशन ना तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ना किसी और तरह का कोई एक्सचेंज बिटकॉइन को रेगुलेट करता है तो बिटकॉइन से रिलेटेड ये नंबर वन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया तो आंसर मेरे पास क्या बचा ए एफ आर बी एम एम एक्ट जो है वो आपका फिजिकल डेफिसिट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट ठीक है वो क्या था कि सेंटर और स्टेट का कैसे जो फिजिकल डेफिसिट है उसको मैनेज किया जाए उससे रिलेटेड ये एक्ट है तो टू बिल्कुल सही है तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा हलवा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से ये एक हलवा क्वेश्चन था केक वॉक क्वेश्चन था जो गलत नहीं होना चाहिए था किसी का भी नेक्स्ट क्वेश्चन अर्ली एंशंट पीरियड हरियाणा रीजन किस नाम से जाना जाता था ए ब्रह्मवर्ता बी आर्यवर्ता सी थ्री ब्रह्मो देसा इनमें से क्या नाम था हरियाणा का अर्लियर या एंशियंट पीरियड के अंदर वन एंड टू टू एंड थ्री वन एंड थ्री ऑल ऑफ द अबव ये आंसर तभी कर सकते हो अगर हरियाणा के बारे में पढ़ा है। ठीक है करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव स्टेट नेम का ओरिजिन देखते हैं तो ओरिजिन की अगर हम बात करें हरियाणा इसको बेसिकली हरियाणा या हरियाणा बेसिकली बोला जाता है डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस हैं हरियाणा के नाम के ओरिजिन के पीछे हरियाणा ये एक एंशेंट नेम है पुराने समय में इसको ब्रह्मवर्ता आर्यवर्ता और ब्रह्मपदेशा भी कहा जाता था ठीक है बेसिकली ये जो नाम है ब्रह्मवर्ता आर्यवर्ता ब्रह्मपदेसा बेसिकली लॉर्ड ब्रह्मा की इमरजेंस हरियाणा के ऊपर लॉर्ड ब्रह्मा का आना उससे रिलेटेड ठीक है उसके अलावा आर्यनस जो यहाँ पर रहते थे उनसे रिलेटेड ठीक है और वैदिक कल्चर और राइट्स यहाँ पर परफॉर्म किए जाते थे बेसिक जो वेदास के अंदर एसोसिएटेड थे इसी वजह से ये नाम जो है हरियाणा को दिए गए हरियाणा को बहुधनिया का या हरियंका भी कहा जाता है बेसिकली ये नाम क्या सजेस्ट करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो फूड सप्लाई है और वेजिटेशन है वो अबेंडेंस में है अब एक इंस्क्रिप्शन मिलती है एक इंस्क्रिप्शन मिलती है बुहार विलेज के अंदर जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है इस इंस्क्रिप्शन के अंदर हरियाणा को रेफर किया गया है एज हरियाणा ठीक है हरियाणा ये इंस्क्रिप्शन बेसिकली बालबन जो आ, सल्तनत का जो पीरियड था ठीक है जब आपकी आ, स्लेव डायनेस्टी चल रही थी उस समय बालबन रूल करते थे तो ये इंस्क्रिप्शन उस समय की है ठीक है अराउंड थर्टीन थर्टी सेवन ईयर की उसके बाद हरियाणा वर्ड जो है ये भी इसको इंस्क्राइब किया गया है पत्थर के ऊपर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देयर इज़ अ एक्सपर्ट कॉल्ड धरानीधर ठीक है इन्होंने एक किताब लिखी है अखंड प्रकाश इसमें ये कहते हैं कि आ, जो हरियाणा वर्ड है ना ये हरिबंका नाम के वर्ड से आता है हरिबंका जो वर्ड है इट इज़ कनेक्टेड विद द वर्शिप ऑफ हरी ठीक है बेसिकली लॉर्ड इंद्रा ऑल राइट एंड इसके पीछे वो स्टोरी क्या एसोसिएट करते हैं कि यार ये ना बड़ी सूखी सी जगह थी एंड अल्टीमेटली लोगों ने यहाँ पर इंद्रा की या हरी की वर्शिप की फॉर रेन एंड अल्टीमेटली लॉर्ड हरि और इंद्रा ने जो रेन उनको दिया जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रीन वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है एंड दैट इज़ वाई हरिबंका उसके अलावा एक और एक्सपर्ट हैं गिरीश चंद्र अवस्थी ये, ये कहते हैं कि ऋग्वेदा के अंदर नाम जो है वो ओरिजिन होता है हरियाणा ठीक है uh, क्योंकि ऋग्वेदा में हरियाणा वर्ड आपको मिलता है एंड बेसिकली uh, ये बोला जा रहा है कि ऋगवेदा में जो हरियाणा वर्ड है वो एसोसिएटेड है विद अ किंग द किंग वॉज़ वासु राजा ठीक है और वासु राजा जो किंग थे वो इस रीजन के अंदर रूल करते थे और ये जो हरियाना नाम है वो आफ्टर दैट किंग वासु राजा निकल करके आया है ठीक तो है तो मल्टीपल इसके अंदर जो नेम्स हैं उनके ऊपर है इसके अलावा और भी बहुत नाम है अपकमिंग वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा फिलहाल के लिए आप ये याद रख लेंगे ब्रह्मवर्ता आर्यवर्ता ब्रह्मपदशा बहुदयन का हरियंका साथ के साथ ये भी याद रखेंगे कि बोहार विलेज इंस्क्रिप्शन जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट की या बालबन के समय की उसके अंदर क्या नाम है वो पूछ सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग नेम इज़ देयर इन दिस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन कि भाई हरियाणा है ब्रह्म ब्रह्मदया है आर्यव्रता है क्या है तो वो भी आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नायब बख्शी का टाइटल बलराम जाट को हु वॉज पॉपुलरली नोन एज बालू किसने दिया था हरियाणा की एक काफ़ी मशहूर पर्सनालिटी ये रहे हैं किस राजा ने नायब बख्शी और राव का टाइटल दिया था बलराम जाट पॉपुलरली नोन एज बालू सो द राइट आंसर गाइज अगेन पढ़ा हुआ है हरियाणा के बारे में तो आंसर कर सकते हो नहीं तो मुश्किल है आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह इज़ द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हरियाणा स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी अच्छा स्टेटमेंट नंबर टू कह रहा है कि शाह कमीशन बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस जे सी शाह ताकि पंजाब और हरियाणा को डिवाइड करके बाउंड्री बनाई जा सके तीसरा कहता है कि एक नवंबर 1966 को हरियाणा जो है सेवनटीन स्टेट बना अब देखो इसके अंदर क्या है ना जिसने थोड़ा बहुत भी हरियाणा के बारे में पढ़ा है उसको पता है कि यार फर्स्ट नवंबर को हरियाणा डे होता है लेकिन अब हरियाणा जब बना तो वो इंडिया का कौन सा नंबर का स्टेट था सोलवा था सत्रहवा था अठारवा था इसमें बच्चे कई बार सेम स्टेटमेंट के अंदर दो पार्ट्स में कंफ्यूजन हो जाती है कि ठीक है भाई एक नवंबर को तो बना था 1966 को भी चलो याद होगा लेकिन कौन सा नंबर का स्टेट था कई बार वो इतने छोटे पॉइंट में जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा स्टेटमेंट सही हो या पूरे का पूरा स्टेटमेंट गलत हो कई बार क्या होता है एक स्टेटमेंट के अंदर एक पार्ट सही होता है एक पार्ट गलत होता है अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑल ऑफ दी अब आपकी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है आंसर देखते हैं देखो तेईस सितंबर 1965 को भारत सरकार ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट की थी और इस पार्लियामेंट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार हुकुम सिंह जो उस समय लोकसभा के स्पीकर थे और सरदार हुकुम सिंह की कमेटी को यह काम दिया गया था कि पंजाब की डिवीजन के ऊपर वो फैसला ले कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी नाइनटीन के अंदर ठीक है और कमेटी ने कमेटी में बेसिकली वेरियस जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जैसे हरियाणा लोक समिति हरियाणा ऑल पार्टी एक्शन कमेटी हरियाणा आर्यन साम्राज्य इन्होंने भी सबको इन सब ने भी कमेटी के सामने अपनी पेशकश रखी थी कि हरियाणा एक नया स्टेट बना दिया जाए कमेटी ने अल्टीमेटली क्या रिकमेंड किया कमेटी ने कहा कि जो पंजा एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट होनी चाहिए और एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट होनी चाहिए हरियाणा बेसिकली इसने पंजाब के डिवीज़न के लिए रिकमेंडेशन दे दी इसने ये भी बोला कि जो चंडीगढ़ और खरड़ तहसील है ना वो हरियाणा के पास जानी चाहिए यही पॉइंट हरियाणा वाले उठाते हैं जब भी बेसिकली ये डिसीजन लेना होता है ना कि चंडीगढ़ हरियाणा का पार्ट है या पंजाब का तो हरियाणा वाले कहते हैं कि यह सरदार हुकुम सिंह कमेटी ने बोला था कि चंडीगढ़ और खरड़ जो है वो हरियाणा के पास आएगा सरकार ने इनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली हुकुम सिंह कमेटी की और इन्होंने फिर सरकार ने एक शाह कमीशन बनाया बेसिकली जिसको पंजाब बाउंड्री कमीशन भी बोला जाता है जिसको ये काम दिया गया कि वो बाउंड्री सेट करे दोनों नई स्टेट्स की पंजाब और हरियाणा की और फिर फाइनली पंजाब री जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है वो पास किया गया टेंथ सेप्टेम्बर नाइनटीन सिक्सटी को और एक नवंबर 1966 को हरियाणा जो है देश का सेवनटीन्थ स्टेट बना ये जरूर याद रख लेना सेवनटीन्थ जरूर याद रख लेना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा खारिफ क्रॉप है इंडिया के अंदर ये क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में ठीक है बार दो हज़ार सत्रह अठारह उन्नीस कोई पेपर ले लो ठीक है जी तो क्रॉप इनमें से कौन सा है अब देखो एलिमिनेशन का खेल भी अगर खेलोगे तब भी बड़े आराम से हो जाएगा अब अपने को मालूम है कि वीट तो सर्दियों के टाइम पर आता है खारीफ मतलब कि समर टाइम जब आपका रेनफॉल वाला मानसून वाला टाइम है वीट आता है सर्दियों में वीट को पहले तो सबसे पहले उड़ाओ ए उड़ जाएगा डी उड़ जाएगा ठीक है बचा कौन सा मेरे पास बी और सी बी और सी में बी में है दो पाँच छः सी में है दो तीन छः अब बी में भी दो छ है सी में भी दो और छ है मतलब कि पैडी और मेज़ तो पक्का है मेडी पैडी और मेज़ पक्का है कि ये तो है ही है ये तो है ही है ठीक है अब मुझे डिसाइड करना है फाइव और थ्री में कि ग्राउंडनट और मस्टर्ड के अंदर मेरे को पता होना चाहिए कि ग्राउंडनट ख़ारीफ़ है या मेज़ ख़ारीफ है इनमें से एक ही ख़ारीफ है राइट आंसर यहाँ पर आपका है बी ग्राउंडनट आपका जो है खारिफ क्रॉप है मस्टर्ड आपका राबी क्रॉप है तो आंसर यहाँ पर आपका टू फाइव सिक्स हो जाएगा ठीक है तो राबी आपको पता है अक्टूबर से दिसंबर में आप उसको बोते हो बीज बोते हो और अल्टीमेटली कटाई होती है अप्रैल से जून में वीट बार्ले पीज ग्राम मस्टर्ड ये क्या है एग्जाम्पल है राबी क्रॉप के खारिफ जून जुलाई में आप बीज बोते हो और सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई करते हो राइस मेज ज्वार बाजरा तुर मूंग उड़द कॉटन जूट ग्राउंडनट सोयाबीन ये आपके आगे और खारिफ क्रॉप जैद जैद बेसिकली आप मार्च जुलाई में बीज बोते हो गर्मियों के समय में ठीक है और हार्वेस्ट भी उसी समय में आपकी हो जाती है शॉर्ट टाइम की यह क्रॉप होती है और राबी और खारिफ के बीच का बेसिकली ये क्रॉप होता है इसके अंदर सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स फॉर्डर क्रॉप्स वगैरह ग्रो किए है जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी द कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू अबाउट इट Number one, it is obtained by treating quick lime with water. Number two, it is produced when calcium carbide reacts with water. Number three, it is one of the raw material for the manufacture of Portland Cement. Number four, it is called slate lime and chemical formula is CaOH2. So, what will be the right answer? Say aapka beta option A. ठीक है देखो जो आपका वाइट वॉशिंग के लिए जो कंपाउंड यूज़ होता है उसको आप क्विक लाइम और वाटर का जो है रिएक्शन करवा के ही ऑप्टेन करते हो ठीक है और इसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सी ए ओ एच टू होता है सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इसका बिल्कुल ठीक नहीं है ठीक है तो कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट किया जाता है वाटर के साथ जिससे स्लेक्ड लाइम या जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हो वो प्रोड्यूस होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है वो कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के लिए ठीक है और ऐसे जो रिएक्शन होते हैं ना जिसके अंदर दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उस उसको पेंट के अंदर यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग पेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है क्योंकि जब आप पेंट करोगे ना फिर वो क्या करेगा वो जो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना सी ओ टू प्रेजेंट है उसके साथ धीरे धीरे रिएक्ट करेगा जब आपने पेंट कर दिया दीवार के ऊपर अब वो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्या करेगा वो हवा में जो सी ओ टू है उसके साथ रिएक्ट करेगा और उस सी ओ टू के साथ रिएक्ट करके ना वो अपने ऊपर एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेगा ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी टू के साथ रिएक्ट करेगा जो हवा के अंदर प्रेजेंट है आपको अलग से उसके अंदर कोई सी टू केमिकल वगैरह यूज नहीं करना हवा के सी टू से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जो है वो वॉल के ऊपर फॉर्म कर लेगा बेसिकली जब आप व्हाइट वॉश करते हो उसके दो से तीन दिन बाद आपकी दीवार के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो फॉर्म हो जाती है उससे क्या होता है आपकी जो दीवार होती है ना उसके अंदर एक शाइनी लुक आता है ठीक है एंड केमिकल फॉर्मूला मार्बल का जो होता है वो सी ए सी ओ थ्री होता है इसको भी याद रख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वॉशिंग सोडा सबसे पहले कि इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ये बेसिक होता है नेचर के अंदर ठीक है पी एच स्केल के ऊपर जो है बेसिक होता है स्टेटमेंट टू केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है और इसका जो पी एच है वो मोर देन सेवन है अच्छा जी स्टेटमेंट थ्री इट इज़ यूज फॉर रेजिंग ऑफ केक्स वाइल बेकिंग ऑप्शन जो केक के अंदर फुलावट आती है जो आपका केक जो आप खाते हो ऑप्शन फोर इट इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आंसर है आपका ऑप्शन टू एंड फोर देखो केमिकल नेम या तो सोडियम कार्बोनेट हो सकता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है दोनों तो हो नहीं सकते तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है और पी इसका सात से ज़्यादा होता है बेसिक होता है ये ठीक है और इसको वॉशिंग सोडा को नहीं वो बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं केक्स uh, के अंदर बेकिंग के पर्पज़ में वो उसमें वॉशिंग सोडा नहीं यूज़ करते वॉशिंग सोडा तो आपका साबुन के अंदर यूज़ किया जाता है आपके डिटर्जेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है क्योंकि वो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है ठीक है तो केमिकल दैट कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज़ एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट ठीक है सोडियम कार्बोनेट बेसिकली आप बेकिंग सोडा को हीट करके भी ऑप्टेन कर सकते हो सॉल्ट होता है बेसिक होता है नेचर के अंदर सोडियम कार्बोनेट को आप ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हो ठीक है ये सोडियम कम्पाउंड जैसे कि बोरेक्स की फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है क्लीनिंग एजेंट डिटर्जेंट्स वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है क्योंकि ये परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर की वो रिमूव कर देता है सो दिस वाज इट गाइस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई होप आप लोगों को मजा आया हो किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट करा करो ठीक है कोई डाउट ना भी हो तब भी कमेंट करा करो कि हाँ सर वीडियो ठीक लगा नहीं सर वीडियो में ये कमी लगी ये दिक्कत है ये चीज़ करो ये चीज़ ना करो ठीक है कोई और लेक्चर चाहते हो कि सर ये वाला लेक्चर बना दो इस टॉपिक पे लेक्चर बना दो तो वो भी शेयर करो व्हाट्सएप कर सकते हो नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन पर मेल कर सकते हो शिक्षित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप कर सकते हो ठीक है और पी डी एफ आपको टेलीग्राम पर इसका मिल ही जाएगा चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में गई स्टिल देन टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड बाय